मनोहर जोशी की अचानक बिगड़ी तबीयत, हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। उद्धव ठाकरे भी पहुंचे अस्पताल। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और शिवसेना के नेता मनोहर जोशी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मनोहर जोशी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत को देख तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया। जानकारी के मुताबिक 86 साल के मनोहर जोशी को हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। हालांकि अभी उनकी हालत कैसी है, इसे लेकर हिंदुजा अस्पताल की तरफ से किसी तरह का हेल्थ बुलेटिन जारी अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन वहीं जैसे ही मनोहर जोशी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर राजनीतिक दलों के नेताओं को लगी, तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बल्कि मनोहर जोशी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ हिंदुजा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मनोहर जोशी से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बताया तो ये भी जा रहा है कि मनोहर जोशी की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज डॉक्टर चारुलता सांखला की निगरानी में किया जा रहा है। आपको बता दें, मनोहर जोशी बाला साहेब ठाकरे के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं। बल्कि मनोहर जोशी ने शिवसेना से राज्य की विधानसभा परिषद में चुने जाने के साथ ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी की थी। 1976 से 1977 तक मुंबई के मेयर का भी पद उन्होंने संभाला था। 1995 में मनोहर जोशी शिवसेना बीजेपी गठबंधन के सत्ता में आने पर महाराष्ट्र के सीएम बने थे और वो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। जोशी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया था। हालांकि आपको बता दें, पिछले कुछ समय से मनोहर जोशी राजनीति में सक्रिय नहीं है। वहीं शिवसेना के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे मनोहर जोशी का हालचाल जानने के लिए राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का अस्पताल में आना जाना लगा हुआ है। वहीं अस्पताल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसी बीच माना ये भी जाने लगा है कि उद्धव और रश्मि ठाकरे के अस्पताल पहुंचने के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता भी हिंदुजा अस्पताल पहुंचकर मनोहर जोशी का हालचाल जान रहे हैं। सूत्रों की माने तो बेचैनी महसूस होने की शिकायत के बाद शिवसेना नेता मनोहर जोशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोहर जोशी को शिवसेना के पुराने नेताओं में से एक माना जाता है। वहीं माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मनोहर जोशी का हालचाल जानने के लिए हिंदुजा अस्पताल जा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।